दो दिन पहले अरविंद यादव के घर से जिस बच्ची के गायब होने की सूचना मिली थी उसकी आज सुबह नाले में लाश मिली है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही अरविंद यादव के बेटी का शाम को गायब होने की सूचना मिली थी, जिसको देखते हुए खोजबीन जारी थी और पुलिस कंप्लेन भी दर्ज कर लिया गया था, लेकिन बच्ची का पता नहीं चला। लेकिन तड़के सुबह ही आज मऊ के रेलवे कॉलोनी के पास एक नाले के गड्ढे में उक्त बच्ची का लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। हालांकि पुलिस की बात माने तो अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन बताया जाता है कि बीते दो दिनों पहले बच्ची जब घर से पट्टी लाने के लिए बाहर गई थी, उसके बाद ना ही पट्टी वाला मिला और ना बच्ची। उसके बाद लगातार खोज अभियान जारी रहा, लेकिन दो दिन बाद लाश मिलने से सनसनी मची हुई है। 3.5 साल की बच्ची है, रेलवे कॉलोनी से मिसिंग थी लगभग 4:15 बजे दिन से 21 तारीख को। उसके संबंध में उसके परिजनों ने प्रार्थना पत्र दिया था। कल सुबह ही कोतवाली में नियमानुसार उसका अभियोग पंजीकृत था। कल भी पुलिस ने तलाश किया था चारों तरफ, चूँकि छोटी बच्ची थी तो उसके बारे में जो भी नियमानुसार वायरलेस और सभी स्थानों को सूचना दिया गया था, बाकी उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। आज सुबह पुनः कोतवाली पुलिस के सारे लोग मिलकर 7:30 बजे से ढूंढ रहे थे इसी कॉलोनी में कि दक्षिण तरफ किनारे की तरफ पानी का गड्ढा है, उसमें उसको डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी को दो डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विधिक कार्रवाई, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है, की जाएगी। क्या लग रहा है सर, प्रथम दृष्टिया क्या घटना हुई है? प्रथम दृष्टिया तो कोई ऐसी चोट और कोई चीज़ तो उसके शरीर पे नहीं है जी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लाश मिलने से जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं अब ये जांच का विषय है कि क्या बच्ची का मौत अपहरण से हुआ था या हत्या हुई थी। अभी मौत के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन मां का विलाप देखकर हृदय रोने भी लगता है। परिचय दें। राकेश कुमार, यहाँ मुख्य टिकट निरीक्षक हैं। अच्छा, तो ये बच्ची अभी गुजर गई है, क्या कौन है ये? ये हमारे यहाँ रेल कर्मचारी हैं, पोस्टमैन हैं, हमारे साथ ही हम लोग काम करते हैं। हमारे CIT ऑफिस के ठीक बगल में इनका रूम है। क्या नाम है इनका? इनका अरविंद यादव नाम है। जी जी जी। और परसों 4 बजे से सूचना मिली तो सारे रेल कर्मचारी सभी लोग हम लोग आए, और तभी से हम लोग पूछना जांचना खोजना प्रयास किए। उसके बाद में हम लोग 8 बजे के लगभग कोतवाली जाके FIR के लिए आवेदन दिए। तो लोग एक है कि भाई ठीक है, कल आप लोग आइएगा। अरविंद जी कैसे आदमी थे? बहुत सज्जन, बहुत, कोई जवाब नहीं। जी जी। वह व्यक्ति का कोई कितने बच्चे रहे होंगे? इनके 2 बच्चे हैं। ये बड़ी बच्ची थी? नहीं, ये छोटी बच्ची है, एक लड़का बड़ा है। अच्छा अच्छा। और ये शाम के टाइम 4 बजे खेल उल रहे थे लोग, जैसे हम लोग आए कॉलोनी ये लगा कि अभी बच्चे खेल रहे थे यही। और बहुत सज्जन व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से ऐसे साहब के करीबी, जैसे इनका पास बनाना हम लोग का और भी काम ऑफिस का करना इनके जिम्मे था। क्या उम्र थी बच्ची? बच्ची की 3.5 साल की लगभग थी। ठीक ठीक। देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर।